आपके सामने है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान, व्यापारी कर्मचारी सब दुखी है, छत्तीसगढ़ आदि के लोग सब परेशान। ज्ञानचंद जी ने बैकवर्ड की बात रखी, कदम सभी छत्तीसगढ़ आदि के लोग पार्टी कांग्रेस के साथ खड़े हुए, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो छत्तीसगढ़ आदि की बात रखती है, सबकी बात। तो साथियों, सरकार बनेगी आपकी बनेगी, आप अपनी सरकार बनाओ। और इसके अलावा अब ये बहुत से साथियों ने तकरीबन इलेक्शन लड़ा है, आपने पिछली बार भी 29 में भी चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे, इस बार भी लड़ोगे पेंशन का। बूथ पे अगर आप साथी सभी अपने बूथ पे काम करें, देखो अपने बूथ पे मेहनत कर सकता है आपने, आपको घर घर का पता है, घर घर में जितने वोटर हैं सबका पता है, 10 हैं 12 हैं 10 के नाम भी पता है, तो जो मेहनत आप वहाँ कर सकते हैं, और उसमें से ये भी पता है कौन आपके साथ, अगर एक घर में 10 वोट है कोई आपके एक आधा खिलाफ है उसमें भी आपको पता है किस वजह से। और बाकी जो पार्टी के कार्यक्रम में आप चलाते रहेंगे, चलते रहेंगे अपने बूथ की भी, अभी ये चुनाव पार्लियामेंट का आपको बताइए, हमारे जो एम पी बने दोबारा बोलो जरा। आज जो कार्यक्रम हुआ आपके कार्यकर्ता भी क्या कहना चाहेंगे? आज का जो एक वर्कर्स मीटिंग थी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, मीटिंग अब मीटिंग की स्पीड बढ़ेगी, थोड़ा पहले भी करते रहे, अब इसी बारे में आज ये बुलाई थी, सबने अपने अपने विचार रखे, साथियों ने कैसे करना है, कैसे चुनाव को आगे बढ़ाना है, इस बारे में इनकी जानकारी ले ली थी साथियों की, और सबने अपने अपने विचार रखे इस बारे में। रिस्पॉन्स तो हमारा हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, पिछली बार भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, 2019 का चुनाव भी हमारे साथियों ने बहुत बढ़िया लड़ा, और इस बार भी बहुत बढ़िया लड़ेंगे, जीतेंगे अच्छे मार्गों से जीतेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? जी हरियाणा में इस बार बदलाव तो निश्चित तौर पे आएगा, और बहन शैलजा जी की अभी अम्बाला में थी, आज फरीदाबाद में थी, वो भी उनकी यात्राएं चल रही हैं, लोगों को से मिल रही है, शहर के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रही हैं, ताकि आगे सरकार कांग्रेस की आए, हमारी सरकार बने, और जो लोगों की आम लोगों की समस्याएं हैं गाँव की शहर की, वो सब से वाकिफ हों, और उनकी जो सरकार बनने पर उन सबको हल करा जाए। आम आदमी पार्टी पांच गारंटियां वो कह रहे हैं ना, पांच गारंटी जो है केजरीवाल की वो लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आसान नहीं है क्योंकि जो उसमें कमेटी भी बनाई गई है, सर्वे भी करवाया जा रहा है, तो जो सर्वे में पास होगा उसी को कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए तो यहां से भी जैसे मर्जी सर्वे के हिसाब से देख लें, आप जैसे मर्जी देख लें, सर्वे में भी आपने देख ही लिया, हमारा चुनाव भी देखा है, हमारा अपने पिछले पंचायतों के चुनाव में उसमें भी देखा है, कांग्रेस के यहाँ से जीते हैं सब, और हमारे साथियों की मेहनत है, हमारे वर्करों की मेहनत है, सर्वे में भी हमारा ही है ऊपर वाले इंचा, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 100% श्योर हूँ, जीत को लेकर भी श्योर हूँ, 100% जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश आपने देखा ही है। माइनिंग खुलवाने तक तो ठीक है, लेकिन जो इलीगल माइनिंग करवाई है वो किसने करवाई है? जो इस इलाके की सारी जितनी इलीगल माइनिंग आप जाके देखें, पूरे इलाके में घूम के देखें, यहाँ तक कि फॉरेस्ट की पंचायतों की जमीन वो भी खोद डाली, और सारे सत्ता पक्ष के लोगों ने खुद ये इलीगल माइनिंग इस सरकार में, इस मौजूदा सरकार के नुमाइंदों ने कराई है, और इलाके में अगर आप जाके देखें, अभी तो इस साल बरसात कम है, पिछले साल तो बाढ़ आने के कगार पे था सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से, इन्होंने जो बंद लगे हुए हैं यमुना के जो बचाव होता है बांध से बचाने के लिए, वो भी माइनिंग कर दी, उनमें भी माइनिंग कर दी, खोद दिए होंगे। सोलह तारीख को अभी मैसेज तो कोई आया नहीं इस बारे में, देख ले। सर अपना कांग्रेस का मुकाबला किसे मानते हैं? देखिए आप इस सीट की बात कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की बात, हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश में तो एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वैसे
कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मुकाबला रहेगा। बसपा और इनेलो का आज उनकी रैली में जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है और आने वाला समय जो है अमित सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने। देखिए चुनाव का वक्त है, सभी पार्टी अपनी बात रखेंगी, किसी का गठबंधन कहीं होगा किसी का कहीं होगा, ये तो चुनाव का टाइम है, ये तो चलता रहता है। उनका गठबंधन हुआ है, पिछली बार भी हुआ था लेकिन चुनाव तक वो टूट ही गया था।